अरे भाई जरा पीछे लो जी बोला सामने सामने तब जय गाता जन जन मंगल भारत जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है जय आज जो मैं आजादी के मौके पर हमको बड़ी खुशी हो रही है कि हम अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद हैं और 78 साल मुकम्मल कर चुके हैं। इस आज़ादी में मुसलमानों का ख़ास हिस्सा रहा है। अगर मुसलमान ये जद्दोजहद शुरू ना करते तो मुल्क आज़ाद ही ना होता। और आज ये फ़िरका परस्त जमातें मुसलमानों को नज़रअंदाज करना चाहती हैं और मुसलमानों को इस मुल्क से हटाना चाहती हैं। ये हम हरगिज़ होने नहीं देंगे। हमारा खून पसीना इस मुल्क की ज़मीन में दफन है और हम यहीं दफन होंगे, मगर हम इस मुल्क को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हम कभी भी इस मुल्क की के लिए जो है ना भलाई चाहे हैं, बुराई कभी नहीं चाहे हैं। ये लोग समझते हैं कि हम लोग पाकिस्तान नहीं जाकर यहाँ आबाद हैं और उनके ऊपर बोझ बने हुए हैं, जबकि हमारा मुल्क का दस्तूर हमको इजाज़त देता है कि हम अपने इस मुल्क में रहते हुए हम अपनी मजहबी आज़ादी को भी जो है ना हम पूरी कर सकते हैं। लिहाजा इस मुल्क में हर मज़हब के मानने वाले को अपनी अपने मज़हब पर चलने की पूरी आज़ादी है, उसकी तबलीग की भी आज़ादी है और इस दस्तूर को हमको बचाना है। ये लोग नए नए कानून लाकर मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहते हैं, यहाँ तक कि जो है ना हमको आज हमारी